हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का एसएससी बुलेटिन में स्वागत है। तो दोस्तों, एमबीए, एमसीए, यमी, यमाच, बी, बीटेक, बीफार्म, यमफार्म और बीएड की सभी की एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो उस एडमिशन प्रोसेस कैसे रहने वाली है, कैप राउंड कैसे होने वाले है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये पूरा हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बाजू दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, यानी कोई भी मैंने ऐसी नई अपडेट डाली तो सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम यमी एमटेक का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आपको यमी एमटेक दिख रहा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यमी एमटेक का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 11 दिसंबर से 17 ऑफ दिसंबर तक खुला है, तो आपको उसके पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इस विंडो पे दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन कैटेगरी, और रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आपको दिख रहा है स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड, नॉन स्पॉन्सर्ड प्लस स्पॉन्सर्ड एंड अदर। स्पॉन्सर्ड यानी आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई कंपनी आपको फंड प्रोवाइड कर रही है एजुकेशन को, तो आप स्पॉन्सर कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन अगर आप आपके खुद के पैसे से पढ़ रहे हैं तो आप नॉन स्पॉन्सर्ड के कैटेगरी में जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू आपको आपकी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपका फुल नेम डालना है जो कि एचएससी के मार्कशीट में है, यानी आपको आपका जो आप जनरली फॉर्मेट यूज करते हो फॉर्मेट यूज नहीं करना है। जैसे आपके एचएससी के मार्कशीट में यानी आपके 12 मार्कशीट में जो भी आपका नाम का फॉर्मेट है, उस नाम के फॉर्मेट से आपको यहाँ पे आपका फुल नेम फिल करना है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका फादर का नाम, मदर का नाम, आपका जेंडर यानी आप मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जेंडर कंफर्म करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रिलीजन डालना है, आपका रीजन डालना है यानी आपका आप रूरल में आते हैं या अर्बन में आते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आपकी मदर टंग चूज करना है, और यहाँ पे आपको अपने फैमिली इनकम भी मेंशन करना है, और आपकी नेशनलिटी सभी की तो इंडियन ही होगी। और यहाँ पे लिखा है कि आपके उम्मीदवारी का प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पे आपको उम्मीदवारी का प्रकार आपका चूज करना है। उसके बाद आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस अच्छे से फिल करना है, और आखिरी में जो है चूज पासवर्ड आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आपको ये पासवर्ड अपने जो होने वाले आगे वाले सभी प्रोसीजर है उसमें काम आने वाला है। तो आपको ऐसा पासवर्ड डालना है कि जो आपके याद में रहे और पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो, तो आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, और उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने सेव एंड प्रोसीड किया तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है यानी जो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेगा उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी चला जाएगा। ओके, और आपका जो पासवर्ड है, आप ये जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे इस पासवर्ड को आपको डालना है। ये जैसे आपका क्रिएट हो गया तो आपको इस विंडो पे दिख रहा कि ऑलरेडी रजिस्टर, इस ऑलरेडी रजिस्टर्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड प्रूफ करके साइनिंग कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपका पर्सनल डाटा फिल कर देना है, और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देना है। कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कैसे फिल करना है, अगर इसके ऊपर आपको कोई भी नया वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्त, अपने कलीग के साथ वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।